वो जो आपको सामने दिख रहा है वो है फोर्ट। हम लोग आए थे डल लेक के पास से। जो डल लेक है वो आपको जस्ट वो सामने दिखाई दे रही है। आप जितने भी दूर देखिए सब मकानी मकान दिखाई दे रहे हैं, सब मकानी मकान दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर जाएंगे तो भी और दूर तक दिखाई देगा। अब फोर्ट के नज़दीक आ गए हैं, ऊपर टॉप पॉइंट पे पहुंच गए। बोल नहीं मिल रहा। ये दरवाजों की सिक्योरिटी के लिए पहले लगाई जाती थी। और दरवाज़ा के साइज़ देखिए कितना मोटा है। देखिए श्रीनगर को यहाँ से। हम लोग अभी हरी पर्वत फोर्ट के रास्ते में हैं। चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है तो केयरफुल होकर के यहाँ पे आप गाड़ी चलाएं, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है वो। और संडे के दिन बंद रहता है ये। तो ये है रास्ता हरी सिंह फोर्ट जाने का, जो श्रीनगर में जो किला बना हुआ है। और डल लेक से आप देखेंगे तो तिरंगे की लाइटिंग वहाँ पे है। और अब हम लोग टिकट वगैरह ले करके सीधे एंट्री कर रहे हैं। जैसे ही आप टिकट के लिए जाते हैं पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी बैठी रहती है। थोड़ी सी हल्की फुल्की पूछताछ करते हैं कहाँ से आए हैं, क्यों जा रहे हैं। उसके बाद आपको अलाउ कर दिया जाता है। ये देखिए कितने शार्प टर्न है, बिल्कुल काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए जगह जगह रास्ते में पार्किंग लगी हुई है। बस यहाँ तक ही पार्किंग है। लोग अब हरी फोर्ट पे चढ़ रहे हैं और यहाँ से देखिए कितना अच्छा वैल्यू व्यू आ रहा है। अभी ऊपर चल करके आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं। फोर्ट अभी दूरी पे है, अच्छी स्टेयर्स, फिसलने का कोई डर नहीं। वो जो आपको सामने दिख रहा है वो है फोर्ट। और रास्ते में आपको जगह जगह सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ से देखिए आपको श्रीनगर, पूरा श्रीनगर आपको दिखाई देगा। ये देखिए पूरा श्रीनगर आपको यहाँ से दिखाई देगा। और ऊपर जाएंगे तो और भी दिखाई देगा। फोर्ट से तो बहुत ही अच्छा व्यू आएगा श्रीनगर का। ये देखिए एक यहाँ पे लेक व्यू पॉइंट बना हुआ है। और हम लोग आए थे डल लेक के पास से। तो डल लेक, हाँ वो रही सामने, जो डल लेक है वो आपको जस्ट वो सामने दिखाई दे रही है। पीछे भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि हाउस बोट तो इसमें भी दिख रहा है। और ये देखिए कुछ गेट जैसा बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा। हरी महल देखिए, ट्यूलिप गार्डन, चश्मे शाही, सब लिखा हुआ है। किस डायरेक्शन में है ये भी डायरेक्शन भी दे रखी है। आबादी रिहाइश ज़्यादा इस तरफ है। आप जितने भी दूर देखिए सब मकानी मकान दिखाई दे रहे हैं, सब मकानी मकान दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर जाएंगे तो भी और दूर तक दिखाई देगा। हरी सिंह पर्वत की तरफ ऊपर की ओर पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस साइड भी श्रीनगर की काफ़ी आबादी दिख रही होगी ये। मगर डल लेक जो है वो अपोजिट साइड पे है, इस तरफ है डल लेक और इस तरफ आबादी है। और ये देखिए कितना ग्रीन और कितना पीसफुल माहौल है यहाँ का। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो धीरे धीरे चलें, क्योंकि सांस फूलने लगती है, थक जाएं तो बैठने के लिए भी बने हुए। एक मरीज हमारे साथ आए हुए हैं जो जगह जगह पर थक जाते। देखो मरीज बोलते हैं इनके अंदर एनर्जी आ गई। और ये स्पीड देख लीजिए, ब्रेक नहीं लगेगा तुम्हारा, बस करो। अब फोर्ट के नज़दीक आ गए हैं, ऊपर टॉप पॉइंट पे पहुंच गए। बोल नहीं मिल रहा। अभी अंदर और चढ़ना है क्योंकि अंदर भी सीढ़ियाँ हैं। और ये देखिए दरवाज़ों पे कीले लगी हुई हैं। ये दरवाज़ों की सिक्योरिटी के लिए पहले लगाई जाती थी। और दरवाज़ा के साइज़ देखिए कितना मोटा है, कितना हैवी डोर है ये, काफ़ी वेट भी है इस डोर का। और ये इसकी कड़ी है, कितनी मोटी जंजीर है देखिए। और ऊपर से लिंटर देखिए लकड़ी के ऊपर पड़ा हुआ है। ये जो आपको होल दिख रहा है सेफ्टी के पर्पज़ से होते थे। यहाँ से आप अगर जो देखना चाहें तो उधर आपको दिख जाता, मगर बैक अगर नीचे से भी कोई भी देखेगा तो इस तरफ का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सैनिक लोग यहाँ पे बैठा करते थे, जरा सी भी गड़बड़ी होने पे तुरंत एक तीर छोड़ दिया जाता था। पुराने टाइप का स्विमिंग पूल है।
यहाँ पे आपको एक मस्जिद भी दिख जाएगी, ऊपर आपको मंदिर भी दिखेगा और ऊपर एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है। और अपने भारत का तिरंगा देखिए कैसे लहरा रहा है। बिल्कुल सामने मस्जिद है, आई थिंक यूज़ नहीं होती है ये, कि हाँ जहाँ नमाज वगैरह तो पड़ी है मगर अभी इसमें सामान वगैरह रखा हुआ है। इतनी ऊंचाई पे कोई नमाज़ पढ़ने आता भी नहीं होगा क्योंकि नीचे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मस्जिद हैं। हाँ वो लोग पढ़ते होंगे। जो श्रीनगर है उसकी बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है ये फ्लैग अपना, ऊपर थोड़ी फोर्स भी आपको मिलेगी और पीने के लिए पानी भी यहाँ पे एक नल वगैरह लगा रखा है। ये साइड में एक नल लगा हुआ है, पानी है इसमें नहीं आ रहा। फोर्ट के चेक पॉइंट होता है जिससे फोर्ट के अंदर आप एंट्री करते हैं, उस पर आ चुके हैं। और चूँकि हम लोग गलत जगह से एंट्री कर गए थे तो टिकट वगैरह यहाँ पे चेक कराना पड़ता है। कितने मोटे मोटे दरवाजे हैं और वॉल्स भी देखिए कितनी चौड़ी, मेरे ख्याल से 10 फीट की ये पूरी एक वॉल होगी। ये देखिए आपका इधर है गुरुद्वारा और ये देखिए अपना नेशनल फ्लैग लहरा रहा है। बिल्कुल श्रीनगर की काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, 1.5 टन वजनी है ये, और ये हाथों के द्वारा ही ये इंस्टॉल किया गया है। किले के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए ऐसे मोखले टाइप के बने हैं और ये पहले के टाइम पे नज़र रखने के लिए होते थे। हवा भी काफ़ी ठंडी ठंडी यहाँ से आ रही है और शहर का हल्का हल्का नज़ारा भी आपको यहाँ से दिखता है। और ऐसे आप चलते चले जाएंगे और ये रहा अपना, अब हम एक पॉइंट पे आ रहे हैं कॉर्नर पे और यहाँ से आपको दिखाते हैं जो आपको कश्मीर का वैली व्यू जो दिखाई देगा आपको। ये देखिए कितनी ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा चल रही है और यहाँ से आप बैठ के चारों तरफ का व्यू ले सकते हैं। श्रीनगर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस समय अजान हो रही है तो चारों तरफ से अजान की ही आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। देखिए श्रीनगर को यहाँ से कितनी ज़्यादा हाइट है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा हाइट पे हैं हम। और ये देखिए कितना कुछ काफ़ी एरिया श्रीनगर का दिख रहा है। देखिए श्रीनगर को यहाँ से, एक दूसरी विंडो है इस तरफ का भी काफ़ी कुछ एरिया दिख रहा है। सामने देखिए बास्केटबॉल, और इस तरफ भी देखते हैं द लेक का एरिया, जो लेक बनी हुई है वो रही लेक, ये पूरा ऐसे ही रोटेट होती है काफ़ी दूर तक। ये द लेक का एरिया इस तरफ से दिख रहा है। अभी चलते हैं एक और पॉइंट पे सामने की तरफ, क्योंकि ऐसे पूरे रोड चारों तरफ ये पॉइंट ही पॉइंट बने हुए हैं। फोर्ट के अंदर आपको चार पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि एक ये बना हुआ है सामने की तरफ और ऐसे एक ये है, एक ये, एक ये बैठने के लिए है। फोर्ट के अंदर यही बस चार पॉइंट है, आप इसमें बैठ करके जैसे शाहजहां आगरा के अंदर ताजमहल को देखा करते थे निहारा, आप यहाँ पे श्रीनगर को, श्रीनगर की खूबसूरती को आप यहाँ पे देख सकते हैं। चारों तरफ से आपको श्रीनगर दिखाई देता है और सामने देखिए डल लेक दिखाई दे रही है आपको। और ये कुछ रिहाइश है इस तरफ और काफ़ी ज़्यादा एरिया, ये डाउनटाउन जो एरिया है उस तरफ भी आपको रिहाइश दिखाई देगी। बिल्कुल टॉप पे हैं, यहाँ से आपको श्रीनगर के नज़ारे देखने को मिलते हैं, आप अपनी आँखों से चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं। बाकी फोर्ट में बस एक फोर्ट है पुराना जो काफ़ी मजबूत बना दिख रहा है और अंदर सब जंगल वगैरह है, पहले कभी इनमें रूम वगैरह रहा करे होंगे, अब तो कुछ नहीं है। अंदर आपको एक मंदिर दिखता है, एक गुरुद्वारा और नीचे एक मस्जिद। देखिए ऐसे गली बनी हुई है और ये बिल्कुल सीधा लास्ट तक जा रही है, उधर भी बैठने का कुछ बना हुआ है। क्या कर रही है, दो लोग इधर जा रहे हैं।
ये कोई स्कूल है क्या? ये कॉलेज है। कॉलेज? हाँ। क्या नाम है इसका? इस्लामिया। तो ये था हमारा हरी पर्वत का व्लॉग। व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने लोगों में शेयर करिएगा। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जम्मू कश्मीर की किसी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। जो दिख रहा है ना, ये ब्लेड जैसे धार होती है, इस पे ये ऐसे हाथ रख करके उतर रहे थे, लग गया ये और ब्लड निकल आया। तो आते टाइम पे थोड़ा ये भी अलर्ट रहे, उस साइड ना चलें, इसी साइड चलें।